मैंने गहरे समुन्दर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारिका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारिका नगरी है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारिका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारिका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। आज मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूँ। दशकों तक जो सपना संजोया था आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श करके वो पूरा हो गया। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी बेट द्वारिका स्थित मंदिर गए। यहाँ दर्शन पूजा करने के बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ने वाले 2.32 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने 2017 में रखी थी। ये ब्रिज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। तीर्थ नगरी द्वारिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिकाधीश मंदिर का भी दौरा किया। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की और द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन किए। पीएम ने दान भी दिया। उन्होंने द्वारिका पीठ के शंकराचार्य के भी दर्शन किए और उन्हें पुष्पमाला अर्पित की। शंकराचार्य ने पीएम को अंगवस्त्र और रुद्राक्ष की माला भेंट की। इसके बाद पीएम मोदी बोट पर सवार होकर समुद्र के बीच गए और गहरे समुद्र में उतर गए।